नमस्कार के क्या न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचा सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों। बेलघाड़ू के नरेंद्रपुर में किसानों के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां किसानों के वही का दुरुपयोग कर उसमें करोड़ों रुपए की लोन ले लिया गया। वहीं पीड़ित किसानों को जब इस बात का पता लगा कि सहकारी समिति में पदस्थ भारत भूषण के द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया है, तो उनके द्वारा तहसील में शिकायत की गई, लेकिन भारत भूषण को सिर्फ निलंबित कर दिया गया और उसके विरोध किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं पीड़ित किसान आशीष सिंह अपने और साथी किसानों के साथ हुए फर्जीवाड़ा की शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहां आशीष सिंह ने बताया कि भारत भूषण के द्वारा किस प्रकार से गरीब किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड से राशि निकाली गई है। लगभग 50-60 किसानों की 1 करोड़ से ज्यादा की राशि भारत भूषण ने गबन कर ली, जिसकी शिकायत सभी जगह की गई है, लेकिन अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई उसके विरोध नहीं की गई, क्योंकि जालसाज भारत भूषण अपने राजनीतिक संरक्षण के चलते अधिकारियों पर भी दबाव बनाता है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। गांव नरेंद्रपुर में 1 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसका मुख्य आरोपी भारत भूषण सिंह है। इसने नकली किसान बना के फर्जी खसरे पे नाम चढ़ा के और लाखों करोड़ों का गबन किया, और इसके वो लेटर है जिससे उसने जिस नकली अपने ड्राइवर को किसान बना के उसी के अकाउंट से सारा पैसा हेर फेर करता रहा। ये जांच मैंने कलेक्टर महोदय को 22/8/2021 को दी थी, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या राजनीति रसूख के कारण एक अपराधी खुलेआम ऐसे अपराध करता रहेगा, तो इसमें कानून व्यवस्था का मजाक उड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कलेक्टर महोदय से कि इसकी ठोस जांच की कार्रवाई की जाए और अपराधी को सजा दी जाए। जी आज कलेक्ट्रेट का शिकायत लेकर आए हैं, क्या समस्या, कहाँ से आए? हाँ सर, मैं जबलपुर कांचगरी में रहता हूँ, लेकिन ये जो गांव नरेंद्रपुर में 1 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसका मुख्य आरोपी भारत भूषण सिंह है। इसने नकली किसान बना के फर्जी खसरे पे नाम चढ़ा के और लाखों करोड़ों का गबन किया, और इसके वो लेटर है जिससे उसने जिस नकली अपने ड्राइवर को किसान बना के उसी के अकाउंट से सारा पैसा हेर फेर करता रहा। ये जांच मैंने कलेक्टर महोदय को 22/21 को दी थी, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या राजनीति रसूख के कारण एक अपराधी खुलेआम ऐसे अपराध करता रहेगा, तो इसमें कानून व्यवस्था का मजाक उड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कलेक्टर महोदय से कि इसकी ठोस जाँच की कार्रवाई की जाए और अपराधी को सजा दी जाए। क्या करता है ये? ये उसी संस्था में, मैं इसी ग्राम नरेंद्रपुर में पद पर था, उसके दौरान इसने घोटाले किए थे, अकूत संपत्ति बनाई थी, कारें खरीदी रही, और आज भी चूँकि बाहर हो चुका नौकरी से, लेकिन ये एक प्रकरण इस पर है, लेकिन अभी भी ठोस कार्रवाई इस पर नहीं हो रही। लगभग कितने किसानों की जो है? करीब इसने 100 किसानों के साथ धोखा किया है, ये रजिस्टर बताता है, इसमें पूरा विवरण है और ये बहियाँ पड़ी हैं, ये बताता है कि इसने इतना घोटाला करके गरीब किसानों के साथ छल किया। मैं इस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई चाहता हूँ, नाम भारत भूषण के खिलाफ एक्शन, सरकारी एजेंसियाँ इसके लिए। मेरा नाम आशीष सिंह है, मैं कांचघर में रहता हूँ, और ये भारत भूषण के खिलाफ विद सबूत हैं, इसके बाद ठोस कार्रवाई की जाए। कलेक्टर महोदय से निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है कि गरीबों के साथ होने वाले छल कपट में चाहे कोई भी इंसान हो, उस पर कठोर कार्रवाई की जाए। 1 करोड़ का घोटाला हुआ, उसमें जो मुख्य आरोपी है भारत भूषण, ये उसके वो सबूत हैं कि घोटाला करके वो गायब रहा, और बोलते हैं कि वो एक ठग इंसान है, 420 इंसान है, और राजनीति रसूख के कारण अभी भी बाहर खुले हम घूम रहा है। शासन से मैंने कई आवेदन किए कि उस पर ठोस कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक कोई ठोस उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया है, न्याय दिलाया जाए। आप थोड़े पन्ने देखते रहो ना, ऐसे पलटाते रहो, हम मुँह में कागज दवा, हाँ ऐसे पकड़ के देखते रहो। अरे ये वो भैया हैं जिनसे उसने गरीब किसानों से पैसा निकाला है, ये वो रिकॉर्ड हैं, वो डायरी है, और ये वो कॉपी है जहाँ से छोटे वाले जो यहाँ आया है इस कांड को अंजाम दिया रहा है, उनके सहयोग के माध्यम से छुपाया रखा था। लेकिन गरीब किसान एक ठग इंसान है, 420 इंसान है, और राजनीति रसूख के कारण अभी भी बाहर। शासन से मैंने कई आवेदन किए कि उस पर ठोस कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक कोई ठोस उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया है। श्री महोदय से निवेदन है गरीब बैठाई जाए, और उसके द्वारा जो भेड़ प्यार गरीब किसानों के साथ किया गया है, उनके न्याय दिलाया जाए। आप थोड़े पन्ने देखते रहो, आओ। अरे ये वो भैया हैं जिनसे उसने गरीब किसानों से पैसा निकाला है, कार्ड है, वो डायरी है,
और ये वो कॉपी है छोटे वालों जो यहाँ आया है आप कांड को अंजाम दिया रहा उसके सही हुए माध्यम से भूषण एक नंबर का साथ है 420 आदमी है जिसने लाखों करो और यहाँ चूँकि राजनीति रसूख रखता है विधायकों के पैर पड़ के पैसा भी पहुँचाता है वहाँ पर एक्शन नहीं लिया जाता। चलो आप बता रहे ठीक है एक मिनट शॉर्ट में बताना। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।